हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सीट लेके आई हूँ। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का हो, सभी के लिए आपको बहुत ही यूजफुल है। एंड चाहे वो UPTGT हो, UPLT ग्रेड हो, LVS, KVS या अदर स्टेट का TGT, PGT हो, चाहे मध्य प्रदेश का TET हो। तो जैसा कि आपके समझ सभी मध्य प्रदेश का TET, उसके लिए टाइम नहीं है, तो प्रिपरेशन के लिए लग जाइए और डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और अपना जो ऑथेंटिक बुक आपने लिया है उसको कई बार रिवीजन कर लीजिए और मेरे साथ दोनों टाइम प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टार्च का अच्छा स्रोत है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है गेहूं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें विटामिन सी है? तो हरी मिर्च में विटामिन सी है, आलू, प्याज, अदरक, ये आपका आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इधर में रखिएगा, और पोटेशियम। नेक्स्ट, वसा का अच्छा स्रोत कौन है? दोस्तों, सबसे अच्छा वसा का स्रोत है मक्खन। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है? तो यहां पे आंत यानी इंटेस्टाइन जो है वो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो वह होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स बोला जाता है इसको, क्विक एनर्जी सोर्स। तो सबसे जल्दी ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा कौन करता है? तो वसा। वसा 1 ग्राम के दहन से 9.1 कार्बोहाइड्रेट, 4.1 प्रोटीन, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, आयरन की खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? तो आयरन जो है वो आपका अंडे एवं मांस में भी है, पनीर में भी है, हरी सब्जियों में भी है, इन सभी में आयरन पाया जाता है। आयरन करता क्या है? यह हमारे शरीर में आयरन की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वह आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। तो यहां पे हीम का मतलब होता है आयरन। तो जब आयरन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सामान्य यानी रोजमर्रा गतिविधियों में व्यक्ति की कितनी औसत ऊर्जा खर्च होती है? तो सामान्य रोजमर्रा की गतिविधि में उसको 1800 से 2700 किलो कैलोरी खर्च होती है। नेक्स्ट है, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल यानी किरण, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ADEK। इसके अलावा जो 2 विटामिन है BC और H, ये होता है जल में घुलनशील। विटामिन के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो विटामिन वाले वीडियोस को देख लीजिए, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे बी कॉम्प्लेक्स हो चाहे विटामिन हो। नेक्स्ट, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग कौन है? तो ये सब इजी क्वेश्चन, जीभ है। नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट है, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, तो 3 भागों में बांटा गया है कार्य के आधार पर। एक ऊर्जा प्रदान करने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है, एक शरीर का निर्माण करने वाले जिसमें प्रोटीन आता है, एक शरीर की रक्षा करने वाला जिसमें विटामिन एंड खनिज लवण आते हैं।
नेक्स्ट है हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट है दांतों व हड्डियों को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कैल्शियम आवश्यक है सबसे ज्यादा और दूध में पाया जाता है सबसे ज्यादा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सब जानते हैं रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है, तो जो शरीर निर्माण की प्रक्रिया है वो किस भोज्य पदार्थ में अधिक पाया जाता है, तो ए पाया जाता है निर्माण करने वाला कौन है, प्रोटीन। कौन है, प्रोटीन। रक्षा करने वाला विटामिन खनिज लवण और ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। नेक्स्ट है भोजन का यह तत्व जिसे शरीर एकत्रित यानी जमा रखने में सक्षम नहीं होता है, तो वह होता है आपका विटामिन जो होता है और शरीर में जमा नहीं होता यूरिन के रास्ते, वह उपयोग के बाद बाहर आ जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जबकि वसा जो होता है फैटी एसिड और ग्लिसराल के रूप में एडिपोज टिश्यू के नीचे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में किडनी में लिवर में, एंड जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में शायद सम्मिलित होता है, तो दोस्तों इसमें पाचन तंत्र होता है जो शारीरिक व्यायाम में बहुत कम सम्मिलित होता है, उसके अलावा आपका जो हृदय तंत्र है, मांसपेशी तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इसका मुख्य भूमिका होता है व्यायाम तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अभिव्यक्ति और परिभाषा उपयुक्त मिलान है, आपको उपयुक्त मिलान करना है, तो जैव ऊर्जा जो इंसान की जैव ऊर्जा होती है वो क्या होती है दोस्तों, किस रूप में ऊर्जा बनता है, वो होता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो जैव ऊर्जा का हो जाएगा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्वास्थ्य क्या है दोस्तों, जो स्वास्थ्य हमारे जीवन का आधार है, बिना स्वास्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते। एंड ऊर्जा क्या है, ऊर्जा से हमको उसके स्वास्थ्य की झलक पता चलता है कि हाँ कोई काम अच्छे से कर रहा है, एनर्जेटिक है, तो उससे हमको पता चलता है कि हाँ इसके अंदर बहुत सारा ऊर्जा है, स्वास्थ्य का झलक दिखाई देता है। और जो पोषण है, अच्छे स्वास्थ्य का मूल है, अच्छे स्वास्थ्य का मूल कौन है, पोषण ही है, बिना पोषण के कोई भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो इसमें लगता है 6 घंटा, ठीक है 6 घंटा। नेक्स्ट है कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार होता है, तो जो कठिन शारीरिक परिश्रम करता है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार सबसे बेस्ट होता है, और जो बॉडी बिल्डिंग वाला करता है, बॉडी बिल्ड करने के लिए उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सबको पता है रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है विटामिन जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है उस कौन सा विटामिन होता है, तो ये आप सबको पता है कौन सा रक्त का थक्का बनता है किस विटामिन से, तो वो होता है विटामिन के। दोस्तों रक्त का थक्का जमने में जो हमारे विटामिन में होता है विटामिन के होता है, खनिज लवणों में जो होता है कैल्शियम जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में प्लाज्मा में उसमें फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, और रक्त में जो ब्लड सेल्स होता है उसमें आपका जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो ये सभी रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घटक संतुलित व स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पे व्यायाम भी है, पानी पीना भी है, फल और सब्जियों का सेवन भी है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सिर्फ 5 यूनिट शराब रोज पीना आपके स्वास्थ्य के लिए संतुलित जीवन के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट शरीर के निर्माण ब्लॉक्स हैं, तो दोस्तों शरीर का निर्माण करने वाला है आपका प्रोटीन, ऊर्जा प्रदान करने वाला है कार्बोहाइड्रेट वसा, और रक्षा करने वाला है विटामिन एंड खनिज लवण, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एक कार्यरत महिला को रोज कितना प्रोटीन चाहिए, तो कम से कम उसको 46 ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए एक कार्यरत महिला को। नेक्स्ट है एक लंबी दूरी के धावक को अत्यधिक मात्रा में अवश्य खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए लंबी दूरी के धावक को, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं, तो वो होता है आपका दूध, जिसमें सभी तत्व संतुलित आहार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल विद्यमान होते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है, तो यहाँ पे मांसपेशियों की ताकत जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है, फिजिकल फिटनेस का सबसे बेस्ट घटक है। तो मांसपेशी, दृढ़ मांसपेशियां जब होंगी तो हमको पता रहेगा कि हाँ वो फिटनेस उसका लेवल अच्छा है। नेक्स्ट है, औसत शरीर के भार वाले एक युवक को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो औसत काम कर रहा है औसत भार वालों को उसको 2500 कैलोरी को प्रतिदिन आवश्यकता होती है, वही लंबी दूरी का धावक रहेगा तो उसको 5000 कैलोरी की आवश्यकता हो जाती है। नेक्स्ट है कि पायसीकरण के पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम के द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं, तो दोस्तों वसा का पाचन इसमें लाइपेज के द्वारा किया जाता है। जो आपका पैंक्रियाज होता है अग्नाशय, उससे 3 एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन स्त्रावित होता है मुख्य रूप से, जिसमें से एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन को अपाचन करता है, जो लाइपेज होता है वो वसा का पाचन करता है। इसमें आपको और ऑप्शन है जिसमें से आपका है रेनिन, ये क्या होता है अमाशय की ग्रंथि से निकलता है, जठर ग्रंथि से पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है, जिसमें से जो रेनिन होता है वह दूध का पाचन करता है, और एमाइलेज जो है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा किसकी शामिल होता है, दोस्तों छोटे बच्चों के आहार में जैसा कि उसका शरीर निर्माण की प्रक्रिया सबसे तेज छोटे बच्चों में पड़ती है, तो वहां पे प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा देना चाहिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर के पाचन तंत्र में अपेंडिक्स सहायता करती है, दोस्तों अपेंडिक्स पहले पाचन तंत्र में सहायता करती थी, पाचन में सहायता करती थी, बट अब इसका कोई उपयोग नहीं है पाचन क्रिया में। नेक्स्ट है, बहुत तीव्रता का व्यायाम करते समय शरीर के द्वारा उपयोग किया गया ईंधन है, तो दोस्तों जब हम कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उसके लिए इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है, और सबसे जल्दी एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, विटामिन डी के अभाव के कारण होता है रिकेट्स, आप सबको पता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के लिए आवश्यक विटामिनों की संख्या कितनी है, तो 13 है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा खनिज दिमाग, नाखून और बालों को स्वस्थ रखता है, वो होता है आपका सल्फर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा खनिज अच्छा है जो दिमाग, नाखून और बालों को स्वस्थ रखता है, तो सल्फर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है, यहाँ पे है अंडा, ये भी प्रोटीन का स्रोत है, मांस है, दूध है, बट तेल नहीं है, तेल वसा का स्रोत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।